हम जानते हैं कि मिट्टी जो कटाई हुआ और काट करके उसी तरह से छोड़ दिया गया, आम ग्रामीण जनता को जो परेशानी हो रही है उस पर समाज सेवी लोगों का क्या कहना है, आम ग्रामीण जनता का क्या कहना है? यहाँ दो लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमन प्रसाद हुआ। अच्छा, ये जो आप लोग निजी फंड से भर रहे हैं, मैंने क्यों परेशानी, ग्रामीणों को परेशानी आने जाने में हो रहा था, ये जो मिट्टी कटा गया उस पर कुछ नहीं ठेकेदार द्वारा हुआ। तो मिट्टी कटाई जब हुई है तो उसको तो बराबर करना है, जैसे पूर्व में इधर के पहले लोग बराबर कर दिए हैं, इधर भी बराबर कर दिए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ बराबर? वो लोग वही कर रहे हैं जहाँ अधिकारी आकर देख ले, और जहाँ नहीं देखना है वहाँ नहीं कर रहे हैं। ये तो लूट मचा हुआ है, सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। ये बोरिया भी डाला जा रहा है, इससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी डाला गया था बोरिया का पता नहीं चला कि कहाँ चला गया, सब दहा के चला सब दहा के चला गया। तो अधिकारी लोगों को तो कमीशन चाहिए, लूट हो रहा है सरकार के पैसे का। आम ग्रामीण जनता की बात सुने। एक ग्रामीण और है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। बबलू जी, आप बताएं कि इस पर कुछ बोलें, कुछ टिका टिप्पणी करें। ये नदी कटने के बाद ठेकेदार ने बोला कि इसको हम लोग लेबल करेंगे, रोड बना देंगे, जो असुविधा नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसके पूर्व में पहले तो लोग बराबर कर दें, यहाँ इतने दूर के एरिया में क्यों नहीं? बसी में भी हो गया है, इधर पश्चिम साइड में भी हो गया है, जनता वजह से लेके सारण तक नहीं हुआ। तो नहीं हुआ है, इस वर्षा की वजह से काफी दिक्कत हो गया, पानी का लग लगाव हो गया है, निकासी नहीं है पूरे गाँव का, जिसके वजह से PCC भी टूट गया। तो हम लोगों ने हाथ पाछ के, कोई आया नहीं, कोई जनप्रतिनिधि जो जीता हुआ है वो आया नहीं, कुछ देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने हिम्मत पे जो छछरा वगैरह ये पुल बना रहे हैं, ये मिट्टीकरण करवा रहे हैं, ताकि मुहर्रम का अखाड़ा सही से आ जा सके रोड तक। ये सारण पुल से लेके और सारण काली स्थान के पास ये रोड निकलता है मेन रोड पे, और ये काफ़ी चालू है, जिसके वजह से मतलब बच्चे पढ़ने भी अब नहीं आते हैं यहाँ पे। इसी को देखते हुए हम लोगों ने अपना ये उधर से बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं आता, इधर से सरकारी स्कूल में टीचर वगैरह नहीं जाते। ये सुविधा मतलब इसको देखते हुए हम लोगों ने अपना प्रोग्राम बनाया, जिसमें विधायक जी आए थे तो कुछ अपना मदद किए हैं, लेकिन बाकी के लोग नहीं आए हैं। अब प्रशासन की तरफ से भी कुछ नहीं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना CEO BDO और दंडास भी पंचायत का जीते हुए जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आए, नहीं है कोई भी जनप्रतिनिधि। यही सब है, तो हम लोग तो रहना है, तो अपने सुविधा के हिसाब से 2 रुपया चंदा करके हम लोग अपना इधर उधर कर रहे हैं, यही तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये यहाँ की जो लोकल समस्या है, ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि 17 तारीख को यहाँ ताजिया भी है, मुहर्रम भी है, जिसके चलते यहाँ भीड़ लगता है। ये मस्जिद आपको मैं दिखा दूँ यहाँ, इसके चलते ये लोग परेशान है कि प्रशासनिक महकमा के तरफ से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं, कि यहाँ भीड़ होगा, ताजिया आएगा, मेले में लोग आएंगे, यहाँ मेला लगेगा, फिर भी बांध उसी का उसी तरह से है, लोग कहाँ खड़े होंगे, बहुत सारी समस्या है। इन समस्याओं को देख करके जो समाज सेवी यहाँ के लोकल हैं, उन्होंने एक कदम उठाया, अपने से 2-4 रुपया लोगों से जोड़कर अपना लगा करके और ये व्यवस्था ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा तो मैं बार बार कहता हूँ, और ये यहाँ देखने को स्पष्ट रूप से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कहने के लिए बहुत सारी बातों को कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हाल है, क्या दशा है, इसी के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि आप देखें और वास्तविक स्थिति को समझें। धन्यवाद।